अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पुरानी दिल्ली किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ कीमा। आज का कीमा हम खड़े मसालों में बनाएंगे, यानी कि साबुत मसालों में। इस स्टाइल के कीमे को खड़े मसालों को कीमा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डाले जाने वाले मसाले ज़्यादातर बिना पिसे साबुत ही डाले जाते हैं और ये खाने में बहुत लाजवाब होता है। लेकिन आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जिन लोगों ने मेरे चैनल पुरानी दिल्ली किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें, जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की कीमे की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया है 1 kg बोनलेस कीमा, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। 250 ग्राम अनियन ली है, जिसको इस तरह कट करके रख लिया है। 250 ग्राम टमाटर लिए हैं, जिनको इस तरह कट करके रख लिया है। 250 ग्राम दही ली है, इसको थोड़ा बीट करके रख लिया है। लहसुन की 2 पौथी ली हैं, जिनको बारीक कट करके रख लिया है। 2.5 इंच का अदरक का पीस लिया है, जिसको इस तरह कट करके रख लिया है। 5-6 हरी मिर्च काट के रख ली हैं। 1 तेज़पत्ता लिया है। 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च। 8 से 10 लौंग। 2 बड़ी इलायची, जिसको बीच में से तोड़ लिया है। 1 टेबल स्पून ज़ीरा। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। 1.5 स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। 2 स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1/2 स्पून पिसी हुई हल्दी। तो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो जाने के बाद उसमें कटी हुई प्याज ऐड करके फ्राई कर लेंगे। प्याज हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करनी है। ये देखिए हमारी प्याज का कलर जैसे हमें चाहिए वैसा ही हो गया है। अब हम इसमें कीमा ऐड कर लेंगे। और कीमे को 10 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारे कीमे का कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ा फ्राई हो गया है। कीमा फ्राई करने से कीमे की स्मेल निकल जाती है। अब हम सभी मसाले जो हमने लिए थे इसमें एक एक करके ऐड कर देंगे। सभी मसाले ऐड हो जाने के बाद कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले मिक्स होते ही अब इसमें कटे हुए टमाटर और दही भी ऐड कर लेंगे। दही और टमाटर भी कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और कीमे को पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए टमाटर और दही ने पानी छोड़ दिया है और कीमे को इसी पानी में गलने तक पकने देंगे। ध्यान रखें कीमा बीच बीच में चलाते रहें ताकि कीमा तले से ना लगे। अब कढ़ाई को कवर करके कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद लीड हटाकर चेक कर लेंगे कि पानी खुश्क हुआ है या नहीं और कीमे को थोड़ा चला देंगे ताकि कीमा तले से ना लग जाए। ये देखिए अभी कीमे में पानी बाकी है तो एक बार फिर से इसे कवर करके गैस का फ्लेम लो करके पकने के लिए रख देंगे। दस मिनट के बाद फिर से लीड हटाकर चेक करेंगे। ये देखिए पानी एकदम खुश हो चुका है। अब कीमा चेक कर लेंगे कि ये ठीक से गला है या नहीं। देखिए कीमा अभी पूरी तरह नहीं गला है, थोड़ा सख्त है। तो अभी हम इसमें 2 कप पानी ऐड करके मिक्स कर लेंगे और फिर से 15 मिनट के लिए कीमा गलने तक पकने के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट के बाद फिर से लीड हटाकर चेक करेंगे कि कीमा गल गया है या नहीं। देखिए कीमे ने ऑयल तो बहुत अच्छे से छोड़ दिया है और ठीक से गल भी गया है जैसा हमें चाहिए था। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्च बड़ी बड़ी कटी हुई ऐड कर लेंगे और साथ ही 1/2 स्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे और कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे। ऊपर से ये हरी मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला डालने से कीमे में खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब फ्लेम ऑफ करके 5 मिनट के लिए कीमे को लीड से कवर करके छोड़ दें ताकि सर्व करने से पहले ऑयल ऊपर आ जाए और हरी मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाले की खुशबू भी कीमे में अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए 5 मिनट बाद कीमा सर्व करने के लिए एकदम रेडी है और कीमे ने ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कीमे की रंगत देख कर ही आपको आइडिया हो गया होगा कि कीमा कैसा बना है। खड़े मसाले वाला कीमा तो मेरी फेवरेट डिश है। उम्मीद है आपको भी हमारी आज की ये रेसिपी उतनी ही पसंद आई होगी। मेरे कहने से आप भी एक बार खड़े मसाले के कीमा ज़रूर ट्राई करें। ये एक लाजवाब और दस्तरखान की रौनक बढ़ाने वाली डिश है। तो ये थी हमारी आज की कीमे की रेसिपी। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।